नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस को कि किस तरह से जब हम खरीदने जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सर्वर के, चाहे वो उनके सर्वर की कैल्स हो, तो उसको किस तरह से खरीदना चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है आज के इस वीडियो में हम बात देखने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस के बारे में, यानी कि सर्वर रिलेटेड जो माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस है उसको अच्छे से डिटेल में जो है हम समझने वाले हैं कि लाइसेंस कितनी तरह के आते हैं और किस हिसाब से जो लाइसेंस जो है हमें खरीदने पड़ते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर के अंदर जितने भी आते हैं, वो पहले जो है कॉमन आता था एक, लेकिन अभी जो है कोर बेसिस पे आते हैं, यानी कि हमारा हार्डवेयर अगर सर्वर जो है वो अगर 4 कोर का है तो हमें 4 कोर के हिसाब से जो है लाइसेंस लेना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वहीं पे अगर हमारा हार्डवेयर जो है वो पूरा 16 कोर का है या 8 कोर का है, जो इतने भी कोर का हमारा सर्वर है उसी हिसाब से जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर बेस के वो लेने पड़ते हैं, चाहे वो विंडोज 2012 हो या फिर 16 हो। तो इस हिसाब से जो है हमें कोर बेसिस पे जो है लाइसेंस को खरीदना पड़ता है। सो दोस्तों, ये कोर बेसिस जो है आपको पूरी अपने सर्वर के हार्डवेयर की डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए कि आपका जो सर्वर है वो कितने कोर का है। 4 कोर का है तो 4 कोर के हिसाब से लाइसेंस लेने हैं, और अगर 8 कोर का है तो 8 कोर के हिसाब से लेने हैं, और अगर 16 कोर का है तो 16 कोर के हिसाब से लेने हैं। सो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैल्स की। वैसे तो कैल्स का जो है फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, क्लाइंट एक्सेस जो लाइसेंस है ये। सो नंबर ऑफ लाइस क्लाइंट जितने हम एक नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर एक हमारा नेटवर्क है वहां पे हमारे पास अगर 10 कंप्यूटर हैं तो वो 10 कंप्यूटर के हिसाब से जो हमें यहाँ पे कैल जो है लाइसेंस लेने पड़ते हैं एज पर माइक्रोसॉफ्ट गाइडलाइन। सो यहाँ पे कैल खरीदते वक्त हमें चीजें जो है कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो चीजें क्या है कि ये जो कैल सर्व लाइसेंस है वो 2 कैटेगरी में आते हैं, एक आता है यूजर बेस और एक आता है डिवाइस बेस। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, यूजर बेस क्या है और डिवाइस बेस क्या है। पहले बात कर लेते हैं डिवाइस बेस। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है, वो जो है एक मेरा डिवाइस है, तो मैं जो है वहां पे अगर मैं डिवाइस कैल खरीदने जाता हूं तो वो मेरे उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए वो कैल जो पूरा कैल है वो एप्लीकेबल हो जाता है। वहीं पे अगर यूजर बेस की बात करें तो अगर एक ही क्लाइंट एक ही पीसी के ऊपर में अगर हमने मल्टीपल यूजर बना रखे हैं तो वहां पे जो है यूजर बेस पे अगर जाते हैं तो हमें नंबर ऑफ यूजर जितने हमने क्रिएट किए हैं पीसी के ऊपर उतने ही लाइसेंस हमें लेने पड़ते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये रिक्वायरमेंट जो है यूजर बेस की, वो बेसिकली आपको अपने अगर ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह चला रहे हैं तो वहां से जो है आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि अगर यूजर बेस लाइसेंस आपको चाहिए है, कैल जो है वो यूजर बेस चाहिए है तो आपको उसके हिसाब से खरीदने हैं। अगर आपका जो ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी जो कहती है कि उनका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनको जो है पर यूजर बेस कैल जो है नहीं रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो आप डिवाइस लाइसेंस पे जा सकते हैं तो आपका जितने भी सिस्टम है उतने ही आपको कैल भी लेने पड़ते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर इसके बाद जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि विंडोज के कैल लेने हैं या एसक्यूएल के कैल लेने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कैल है वो दोनों सॉफ्टवेयर के अलग अलग है। विंडोज के जो कैल है वो अलग है, एसक्यूएल के जो कैल्स हैं वो अलग हैं। सो एसक्यूएल के अगर आप एसक्यूएल यूज कर रहे हैं डेटाबेस वगैरह के लिए तो यहाँ पे जो है सर्वर के लिए आपको एक एसक्यूएल का जो लाइसेंस है वो लेना पड़ता है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे जहाँ पे भी आपका एक्सेस हो रहा है वो एसक्यूएल, उतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए आपको जो है डिवाइस कैल या फिर यूजर कैल जो भी है उसके हिसाब से जो है आपको लेने पड़ते हैं। सो यूजर बेस और डिवाइस बेस जो आपको समझ में आ ही चुका है, तो आप आई होप कि आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में भी आपको कैल लेने पड़ते हैं, और आपको अगर एसक्यूएल वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में भी जो डिवाइस कैल आते हैं वो भी लेने पड़ते हैं। यहाँ पे बात करें विंडोज के साथ जो कैल्स होते हैं वो आपको कम कॉस्ट में मिलते हैं, काफी अच्छी कॉस्ट में मिल जाते हैं, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में 2000 के अंदर अंदर आज
की डेट की अगर मैं बात करूं तो 2000 के अंदर अंदर जो है विंडोज कैल जो है आपको लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन आपने विंडोज कैल ले लिया और आप एसक्यूएल कैल नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको जो है दोनों की ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। यहाँ पे आपको विंडोज कैल भी खरीदने हैं और यहाँ पे आप अगर एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो एसक्यूएल के भी जितने कैल्स हैं आप जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहे हैं उतने हिसाब से जो है आप डिवाइस कैल या फिर यूजर कैल जो है वो आप खरीद सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस जो है वो क्या है, किस हिसाब से जो है आपको खरीदने चाहिए, वो डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं आपके उन क्वेश्चंस का भी आपको जवाब दे पाऊँ। सो दोस्तों ये वीडियो के लिए तो इतना ही और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस जो है हम लेके आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।